अस्सलाम वालेकुम, आई एम ज़रक शाज़े। फ्रेंड, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ग्लास वंड। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। चैनल पर जो भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। चलिए आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने पिक्स लैब को ओपन करना है और यहाँ पर आप लोगों ने अपना नेम टाइप कर देना। कोई भी आप नेम लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर नेम टाइप करूँगा रोज़ी। रोज़ी लिखने के बाद आप लोगों ने इस डन पे क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। ओके करने के बाद नीचे स्क्रोल डाउन करना है और ए बी वाले ऑप्शन में आ जाना है। ए बी वाले ऑप्शन में आने के बाद आप लोगों ने माई फॉन्ट में आना होता है और यहाँ से आप लोगों ने कोई भी फॉन्ट यूज़ करना होता है। मैंने ऑलरेडी ये फॉन्ट यूज़ किया था, तो जैसे मतलब मैं फॉन्ट यूज़ करें तो वो यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। इधर मतलब रिसेंट में आ जाता है। ये वाला फॉन्ट मैंने यूज़ कर लिया। इसकी पैडिंग करें, लेफ्ट पैडिंग, राइट पैडिंग, और इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लें, ठीक है। साइज़ इंक्रीज़ करने के बाद आप लोगों ने नीचे फिर स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा स्पेसिंग का, तो आप लोगों ने तकरीबन 5 पॉइंट तक स्पेस दे लेनी है, ठीक है। इतना होने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर आ जाना है इस सर्कल वाले ऑप्शन में और इम्पोर्ट में आना है और एक PNG ऐड कर लेना है। तो बाकी यहाँ पर मैंने ये वाला PNG ऐड कर लिया। अब आप लोगों ने करना है कि अरेज कलर में आना है, इसको अनेबल कर लेना है। 1 पे क्लिक करके इसको यहाँ पर लेफ्ट जन्म लेकर आ जाना और ओके कर देना। टॉलरेंस आप लोगों ने फॉलो कर देनी ताकि ये अच्छे तरीके से अरेज हो जाए। अरेज़ होने के बाद अब आप लोगों ने यहाँ पर इसको एडजस्टमेंट कर देना है तकरीबन यहाँ तक। इतना होने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर आ जाना है शेप में और इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर देना है। और कार्ड में आना है सेव एज इमेज पर क्लिक करके आप लोगों ने इसको अल्ट्रा क्वालिटी में रखकर सेव टू गैलरी कर देना है। अब आप लोगों ने आ जाना है PS टच ऐप में। अब मैं PS टच में आ गया। सबसे पहले आप लोगों ने प्लस पर क्लिक करनी है, फोटो लाइब्रेरी में आना है और वो फोल्डर ढूंढना है जिसमें आप लोगों ने अपनी पिक रखी हुई है। मैं वो फोल्डर अपना ढूंढ लेता हूँ जिसमें मेरी पिक पड़ी है। PSCC वाले फोल्डर में मेरी ये वाली पिक पड़ी, इस पिक को मैं यहाँ पर ऐड कर लूँगा। ऐड करने के बाद सिंपली आप लोगों ने करना है कि पिक स्लैब वाला फोल्डर ढूंढ लेना है जिसमें आपका नेम पड़ा है, उसको आप लोगों ने सिंपली ऐड यहाँ पर कर देना है। तो यहाँ पर मैं भाई इसको भी ऐड कर देता हूँ। ऐड करने के बाद आप लोगों ने इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लेना है, तकरीबन इसको यहाँ तक रखना है, ठीक हो गया। इतना होने के बाद आप लोगों ने इसको थोड़ा सा संभाल कर लेना तकरीबन यहाँ तक, ठीक है। अब आप लोगों ने फर्स्ट वाली लेयर की 2 डुप्लीकेट कॉपी कर लेनी है। टोटल 3 लेयर हो जानी चाहिए, होनी चाहिए, ठीक है। ऊपर वाली लेयर को मतलब फर्स्ट वाली लेयर को सिलेक्ट करना है, FX में आना है और यहाँ पर लाइटिंग में आ जाना है। इस एरो को पकड़कर ऊपर ले जाना है, ठीक है। इस नेम को एक दफ़ा फुल ब्लैक कर लेना है और टेक पे क्लिक कर लेनी है। इतना होने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर आना है और इसका ब्लेंड मोड यहाँ से स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद आप लोगों ने सेकंड लेयर में आ जाना है, FX में आना है और बेवल में आ जाना है। इसकी जो सेटिंग है वही रहने देनी है। आप लोगों ने ब्लेंड मोड मल्टीप्लाई कर लेना है। अब आप लोगों ने आ जाना थर्ड वाली लेयर में, FX में आना है और बेवल में आ जाना है। इस दफ़ा आप लोगों ने ब्लर 45 करना है और इसकी डिस्टेंस ये भी 45 कर देनी है। एंगल पहला 180 करना है, कलर वाइट ही रहने देना है, ठीक हो गया। और जो दूसरा एंगल है ना ये आप लोगों ने 45 कर देना है, कलर वाइट ही रहने देना है। और जो तीसरा एंगल है ये आप लोगों ने 135 पे कर देना है, ठीक है। इतना होने के बाद आप लोगों ने 2 लाइंस पे आ जाना है और कर्व्स में आ जाना है। कर्व्स की आप लोगों ने ये सेटिंग रख लेनी जो मैं रख रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज़ कोई सेटिंग और चेंज भी आप करना चाहें कर सकते हैं और टेक पे क्लिक कर देना है। अब आप लोगों ने यहाँ पर आना है और इसका ब्लेंड मोड यहाँ से लाइटन कर देना है। अब आप लोगों ने फर्स्ट लेयर में आ जाना है, FX में आना है और ग्लो में आ जाना है। ग्लो में आने के बाद आप लोगों ने 0.6 कलर वाइट आप लोगों ने कर देना है, ठीक हो गया। इतना होने के बाद आप लोगों ने करना है कि यहाँ पर इस पर एक दफ़ा फिर ग्लो लगा लेनी है। यहाँ तक होने के बाद अब आप लोगों ने सेकंड लेयर को सिलेक्ट कर लेना है और पेंसिल में आना है और यहाँ पर सिलेक्ट पिक्सल कर देना है। फिर आप लोगों ने पेंसिल में आना है और ट्रांसफार्म में आ जाना है, एक्सपेंड पर क्लिक करके इसको फुल कर लेना है। फोल्ड करने के बाद आप लोगों ने इस लेयर को सिलेक्ट रखना है, प्लस पे आना है और एम्प्टी लेयर ले लेनी है। फिर प्लस पे क्लिक करके बैक आ जाना है, इस लेयर को सिलेक्ट रखना है, एंड वाले ऑप्शन में आना है और फिल एंड स्ट्रोक में आ जाना है। टाइप पे क्लिक करके स्ट्रोक ले लेनी और इसकी विथ जो आप लोगों ने 10 पे रख लेनी। तो कुछ फ्रेंड मुझे कहते हैं कि भाई आप स्लो बोला करें, आप ज़्यादा मतलब है तेज़ बोलते, तो यार इतना तेज़ मैं नहीं बोलता। आप अगेन वीडियोज़ देख लिया करें तो काम चल जाएगा। एक बार वैसे भी वीडियोज़ देखने से वीडियो एडिटिंग बंदा सीख नहीं जाता, ठीक हो गया। इतना होने के बाद आप लोगों ने करना क्या है, अब आप लोगों ने इसका ब्लर जो है ना 15 पे करना है और इसकी डिस्टेंस ये भी 15 पे करनी है। पता नहीं कितनी बार वीडियोस देखने से ग्लास वंड एक बनता है, वरना एक बार वीडियो देखने से भाई नहीं बनता। पहला एंगल 180 और जो दूसरा एंगल है 45 और जो तीसरा एंगल है ये 135, ठीक है। इतना होने के बाद आप लोगों ने करना क्या, 2 लाइन्स में आना है और कर्व्स में आ जाना है। कर्व्स की यही सेम सेटिंग रखनी है और शेडो लगा लेनी है इस पर, ठीक है। शेडो लग गई, अब आप लोगों ने करना क्या है, ठीक है। 2 लाइन्स पे आना है और ब्राइटनेस कंट्रास्ट में जरा कंट्रास्ट को फुल कर देना है। ब्राइटनेस आप लोगों ने तकरीबन 48 पे कर देनी है। अब यहाँ तक होने के बाद इसको ऊपर कर देना है। अब हमारे कुछ PNG रहते हैं, वो मैं जल्दी जल्दी मैं ऐड कर देता हूँ। बाकी ये वाला PNG है, ठीक है। आप लोगों ने इसको थोड़ा सा संभाल कर लेना है और इसको तकरीबन यहाँ पर लगा लेना है।
यहाँ पे लगाने के बाद आप लोगों ने फिर पेंसिल में आना है, इसकी कॉपी सिंपली कर लेनी है। आप लोगों ने यहाँ पर आना है, पेंसिल में आना है और इसकी कॉपी कर दी, फिर पेंसिल मैंने इसको सिंपली पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे सारे वर्ड में आप इसको बड़ी आसानी के साथ लगा सकते हैं। एक और पीएनजी रहता है, वो जल्दी जल्दी पर मैं ले लेता हूँ। एक ये वाला पीएनजी है, ठीक है। इस पीएनजी का भी लगाने का तरीका मैथड बिल्कुल वही है, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर इसको आप लोगों ने रोटेट कर लेना है। बाकी लाइट पीएनजी लगा कर मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में आप लोगों को दिखाया हुआ है, ठीक है। वो आप लगा सकते हैं बड़े इजी तरीके के साथ, ठीक है। इसको आप लोगों ने थोड़ा सा ऊपर करना है नेम को, और यहाँ पर आप लोगों ने किसी भी जगह पर इसको पकड़ कर यहाँ पर बड़े इजी तरीके के साथ मेरा भाई लगा लेना है, ठीक है। यहाँ पे तकरीबन मैंने लगा लिया, फिर आप लोगों ने इसी की फिर पेंसिल मैंने कॉपी करनी, फिर पेंसिल में आकर इसको पेस्ट कर लेना है और इसको यहाँ पर लगा लेना है, ठीक है। इतना होने के बाद आप लोगों को ग्लास वन रेडी है। आप लोगों ने इस डन पे क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। अब आप लोगों ने शेयर में आना, पी एन जी बनाकर इसको सेव कर लेना है। फ्रेंड आज की मेरी पास यही थी वीडियो, अगर वीडियो पसंद है लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।